हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोग पिछले वीडियोस को बार बार देख रहे होंगे और एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो एक या दो ट्रिक बहुत हल्का इजी वे में मैं बतलाता हूँ। आपका करना क्या है, उनका यूज करना है। हम लोग सीख तो लेते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते, तो सीखना है और हमेशा सोचते रहना है कि अब मैं भी मैथ्स का जादूगर। अपने बारे में आप ये सोचो कि यस, आज मैंने एक वीडियो सीख लिया, एक ट्रिक सीख लिया और उसको कॉपी में लिखकर बार बार यूज करना है। ठीक है, तो जब सीख ले, वीडियो देख ले, तो कमेंट जरूर मारे अब मैं भी जादूगर। दूसरा, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, ये देखो एक बार में बहुत सारा मैं नहीं देता कि आपका बर्डन अधिक हो जाए, हल्का हल्का लेकर के चल सकते हैं। अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हम लोग आगे देखें। ये टाइप कल हम लोगों ने इस पे स्क्वायर का देखा था कि 98 का स्क्वायर क्या होगा और हम लोगों ने देखा था ये 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 डिजिट के लिए 0 4, फिर हम लोग 98 से 2 घटा के लिख दिए थे। क्लियर। हम लोगों ने 3 डिजिट वाला भी देखा था, जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं किया वो पहले क्लास कर लेना। ये 100 से कितना कम है, 7। 7 का स्क्वायर 49 और ये देखो 3 डिजिट का है तो 1 0 लगा दिए थे क्योंकि 1000 के नजदीक का है। मैंने बोला था जो 1000 के नजदीक का होगा तो 0 लगा दो, घटाओ इसे। 13 से 7 घट गया, 6 8 और ये 9। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इन मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट यानी नहीं बदला, मल्टीप्लाई में देख रहे हैं कि इसका यूज होगा। तो बताओ ये 100 से कितना कम है, तो 3। सोचो 3 कम है, ये कितना कम, 4। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, ये 2 अंक हो गया। अगर 2 अंक नहीं, क्योंकि ये सब 100 के नजदीक है और 1 के बाद 2 0 होता है, इसलिए 2 अंक का होगा। अगर 2 अंक नहीं हो रहा तो 0 दे दो और ऐसे मत घटाना, तिरछा घटाओ, या तो 97 से 4 घटाओ या 96 से 3 घटाओ। जब भी सोचना है तो क्रॉस, तो घटाएंगे तो 7 से 4 3 और ये 9। जी हाँ, हो गया आंसर तैयार। अब बताओ ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, ये कितना कम, 6 6 दुना 12। अब बस तिरछा घटा दो, इधर से मानो तो इधर से, इधर से मानो तो इधर से, आंसर 92। देखो तो एकदम देखने के साथ बता रहे कि नहीं, ये कितना कम, 100 से 7, ये 100 से घटा के दो कितना कम, 4 7 चौका 7 4 जा 28। दिस इज ऑफ 2 डिजिट। नाउ 93 से 4 घटा दो कितना आया, 89। ये कितना लेस, 8। ये कितना, 5। 8 5 जा 40, 2 डिजिट हो गया। घटाइए इधर से, ये सब देखो। अब ये देखो 100 से कितना कम है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 2 कम नहीं, 12 कम है और ये 6, तो 12 6 72, 88 से 6 घटा दो 82। ये 14 कम है, ये 7, 14 7 जा 98, 86 से 7 लेस करो 79। जी हाँ, तो ये 2 डिजिट का ही नहीं, ये 3 डिजिट का। सोचो बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, यहां भी हम वही करेंगे। बताओ ये कितना कम, लेकिन 1000 से कंपेयर करोगे, 3 कम, ये 4 कम, 4 3 12, लेकिन ये 3 अंक होना चाहिए। बाद में 0 मत देना, पहले 0 घटाइए। 7 से 4 घट गया, 3 9 9। अब बता ये कितना कम, 15। ये कितना कम, 6। 15 6 के 90, 3 डिजिट, 1 0 और लगाओ। घटाइए 15 से 6 9, ये 7, फिर ये 9। ये 22 कम है, ये 5 कम है, 5 दुना 10, 5 दुना 10 और 1 11, 3 अंक हो गया।
घटाइए इधर से तिरछा घटाना सीधा, कभी नहीं नींद में भी नहीं। 8 से 5 3 7 9 देखो ये 4 अंक वाला भी मल्टीप्लाई है तो भी ये कितना काम 3, ये कितना काम 7, 7 या 21 4 अंक बना लो। 4 अंक पहले बना लिया, अब घटाइए 7 से 7 फिर 1 और 0 3 बार 9 1 2 3 ये कितना कम है, जिससे भी देखो किससे कम सोचेंगे तो 10,000 से, तो 13 कम है, ये 5 कम है तो 13 बचे 65 चार डिजिट था, 2 0 फिर लगेगा, घटाइए 7 से 5 2 8 और 2 बार 9 ये कितना कम 4, ये 5, 5 चौका 20 5 अंक है 1 2 3 4 5 घटाओ जल्दी से 6 से 5 1 2 3 4 कैलकुलेटर के बटन दबाने में टाइम लगेगा लेकिन आपका आंसर उससे पहले होगा, आप तो सेकंड में ही ये सारे मल्टीप्लिकेशन और इनके स्क्वायर को बता सकते हो। तो हम लोग देखते हैं एक और ट्रिक, ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो 100,000, 10,000 से कम था, अगर ज्यादा रहेगा तो वीडियो को पॉज कर करके वीडियो को देख सकते हैं, जिन लोगों को लगे क्वेश्चन नहीं लिख पाए वीडियो को रोक लो और रोक करके क्वेश्चन कॉपी में नोट करो और फिर आगे बनाओ। तो देखे नंबर्स क्लोज टू 100 ही है, अब मान लो 107 का स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, ये सब अब 100 से ज्यादा है। तो देखो 100 से कितना ज्यादा, 100 मतलब 1 के बाद 2 0 दो अंक तो होगा ही, ये कितना ज्यादा 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करेंगे, ये दो अंक हो गया, 0 वगैरह नहीं देंगे, सीधे 107 में 7 जोड़ो, 7 7 14 114 49 ये कितना है 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर 64, 108 में 8 जोड़ो 116। फिर से देखिए ये 100 से कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर मन में सोचो 16, सामने वाले को पता नहीं लगे कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, 104 में 4 मन में जोड़ो, 4 2 8 4 2 8 108 16, ये 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, लेकिन ये 3 अंक हो गया और हमको चाहिए 2 अंक, तो यह एक कैरी होगा, हासिल हो जाएगा। देखो 2 से ज्यादा होगा तो वो हासिल कैरी ओवर हो जाएगा, अब 12 में 12 जोड़ने में अगर टाइम लगे तो 12 दूना 24, 12 2 24 और 1 25 और 1 है तो 1। यहां देखिए कितना मोर 15, 15 का स्क्वायर याद है, देखो भाई 30 तक का स्क्वायर तो रट जाना है, बेस अच्छा करना चाह रहे हो एकदम रट जाओ, तो 15 का स्क्वायर मन में सोचो 225, कैरिंग कितना होगा 2, 15 में 15 जोड़ो 30 2 32 यानी देख करके बोल सकते हो 132 25। अब बताओ ये 16, 16 का स्क्वायर जिनको याद है 256, तो 56 तो लिख दो ना, दो ही अंक लिखना है, और 16 2 32 32 16 2 32 और 2 34 यानी अब आगे से कोई कहे कि अब जवाब दीजिए 104 का स्क्वायर, कुछ नहीं मन में सोचो, 105 का स्क्वायर मन में सोचना है, 109 का स्क्वायर देखते कैसे सोचोगे, 4 2 8
4 4 जा 16 तो तुरंत बोलो 4 2 जा यानी 108 और 4 का स्क्वायर 16 105 का स्क्वायर। मन में सोचिए 5 दुना 10 तो बोलेंगे क्या 110 और 5 का स्क्वायर 25 9 9 दुना 18 9 2 जा 18 तो 18 लिख दो ये एक तो आगे वाला है और 9 का स्क्वायर 81। ऐसे ही अगर 1007 का स्क्वायर होता बताओ ये 1000 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 लेकिन एक के बाद 1 2 3 अंक है यानी 1000 में एक के बाद 3 जीरो होता है तो ये 3 अंक का होगा 2 ही अंक हो रहा है 1 जीरो लगा दे क्लियर। अब जोड़ दो 7 7 14 4 1 0 1 1008 का स्क्वायर। सोचिए आज आपको इसमें प्रैक्टिस करना है बाद में कैलकुलेटर लेकर के क्वेश्चन लिखो बनाओ कितना है 8 का स्क्वायर 64 3 डिजिट के लिए 1 0 लगा दो और 8 में 8 ऐड करो ऐसे ही 1012 12 का स्क्वायर है 1012 का स्क्वायर है। सोचिए 1012 कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है और 12 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 तीन डिजिट चाहिए ये 3 डिजिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो जोड़ दो 2 2 4 1 1 2 0 1 तो ये हो गया। ऐसे 100 से ऊपर वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे हम लोग देखने के साथ तो आज आपको इस पे खूब प्रैक्टिस करना है जो मल्टीप्लाई बताया उस मल्टीप्लिकेशन को प्रैक्टिस करना है जो आज स्क्वायर बताया उसको प्रैक्टिस करना है लेकिन साथ ही साथ पिछले वीडियो को देखना मत भूलिए। पिछले वीडियो में भी मैथ्स के जादू एपिसोड में ये एपिसोड का नाम है मैथ्स का जादू तो कुछ ट्रिक बताया गया है जो आप बार बार देखना है और डेली यूज करना है ठीक है। थैंक यू।